What's up people, welcome back to another video on my channel. स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में. This is a dream come true experience for me. मैं हूँ ऊटी में और यहाँ पर जो वेदर है, जो चीज़ें हैं, आई एम जस्ट लविंग इट एंड जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम माई रूम. ब्यूटिफुल. सो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ एक्स बी एच पी के साथ उनके रोड ट्रिप यूनाइटेड 2021 के राइड में. एंड इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती. अभी यहाँ पर मैंने सुबह टाइम लैप्स लगाया था. जस्ट हैव अ लुक एट इट एंड आई विल मीट यू डाउन स्टेयर्स. और आगे की बातें, आगे की डिटेल्स मैं आपको वहीं पर बताऊँगा. सो अभी ब्रेकफास्ट हुआ है एंड वी आर रेडी टू गो. आज की राइड होने वाली है टूवर्ड्स मडिकेरी. मडिकेरी यहाँ से है 270 किलोमीटर्स के आसपास एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस राइड. मैं आपको एक बार कार्स एंड बाइक्स दिखा देता हूँ जो कि मेरे साथ होने वाली है एंड दिस इज़ रियली एक्साइटिंग. सो यहाँ पर है थार, अगेन अ थार. दिस इज़ अ पेट्रोल ऑटोमेटिक, दिस इज़ अ डीजल ऑटोमेटिक एंड दिस इज़ द बाइक विच आई एम गोइंग टू राइड. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. देखते हैं ये चलाने मिलते हैं या नहीं. दिस इज़ द निंजा H2, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मोटरसाइकिल, रोड लीगल मोटरसाइकिल. एंड दिस इज रॉकेट 3, ट्रायम्फ रॉकेट 3, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैपेसिटी मोटरसाइकिल. 2500 सीसी का इंजन है. सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू राइड अपाचे RR 310. और अभी घाट्स भी होने वाले हैं. सो बहुत मज़ा आएगा चलाने के लिए. बस राइड होना इंपॉर्टेंट है. इवन इफ़ आई गेट 100 cc मोटरसाइकिल, 50 cc मोटरसाइकिल भी मिल जाए तो आई एम मोर देन हैप्पी टू राइड, बिकॉज राइड होना इंपॉर्टेंट है हमेशा. और काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है. दिस इज़ गोइंग टू बी अ सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू ऑल. सो अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, देन डू इट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, अथर्वा आउटराइडर ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम बोथ. सो निकलते हैं अभी, मिलता हूँ मैं आपको मोटरसाइकिल पर. सो द राइड हैज बिगन एंड मेरे सामने है निंजा H2 जो कि चला रहे हैं सिमरनजीत फ्रॉम डेली. उनका भी यूट्यूब चैनल है. उनके सामने है सुनील जी एंड उनके सामने है द मैन हिमसेल्फ, द मैन बिहाइंड XBHP, संदीप गज्जर सर. और ही इज़ राइडिंग द रॉकेट. आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब द फीलिंग, बट बहुत मज़ा आ रहा है. रोड्स आर वेरी ब्यूटिफुल. बीच बीच में एक दो पॉट होल्स आ जाते हैं, बट अदरवाइज इट इज़ जस्ट ऑसम. और वर्ल्ड की बेस्ट मोटरसाइकिल्स के साथ राइड करना इज सुपर फन. This is the first stop after we have started riding.
Just look at the trees. If I'm not wrong, these are Nilgiri trees. And it is very beautiful. Mausam acha hai. So far, it's an awesome ride going on. Apache ke saath corners and it's a very light motorcycle. So off-road mein bhi koi problem nahi aayi. And here is the Thar Apache 310 H2. And it's sunny. No. Entorque yahan par hai. And just look at the trees. This is mesmerizing. So यहाँ पर अभी कुछ फोटोज क्लिक करेंगे एंड विल लीव फ्रॉम हियर टूवर्ड्स मडिकेरी. सो निकल पड़े हैं. मडिकेरी इज ऑल्सो अ हिल स्टेशन. वो है कर्नाटका में. एंड ऑल्सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम राइडिंग टू दीज प्लेसेस. ऊटी भी मैं बचपन में आया था, कुछ याद नहीं मुझे, बट ऊटी घूमने को नहीं मिला. जस्ट आई केम टू द होटल और सुबह उठकर राइडिंग स्टार्ट कर दी है. रूट का हर एक पार्ट शूट करने जैसा है. बाइक्स भी वैसी है कि जितना दिखा उतना कम है, बट गोप्रो की बैटरी ज़्यादा देर रुकती नहीं है और मेरी जो स्पेयर बैटरी है जो मैं यूज़ करता हूँ वो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है. 100% चार्ज होने के बाद भी इट गोज़ ऑफ इन 10 मिनट्स. सो एक ही बैटरी में काम चलाना पड़ रहा है और थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना पड़ रहा है शूट करने के लिए. बट जस्ट लुक एट द ट्रीज, ट्री प्लांटेशंस एंड ऑसम बाइक्स. सो वी आर डन विद आवर लंच और निकल पड़े हैं वापस. कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पहुंचना है. मुझे पता नहीं था कि हम केरला भी एंटर करने वाले हैं. तो अभी वायनाड से निकले हैं तो मडिकेरी डे लाइट में पहुंचना था, बट आई थिंक रात होने वाली है क्योंकि लंच के लिए थोड़ा सा लेट हो गया. और कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द डे लाइट में जितना कवर होगा उतना करेंगे. मोर 103 किलोमीटर्स टू गो और एज़ पर गूगल मोर 3 आवर्स फुल ऑफ ट्विस्टीज. महाराष्ट्र में भी ऐसे रोड्स होने चाहिए. दिस मेंटेन्ड, दिस गुड, जस्ट लुक एट देम. जो मज़ा आ रहा है ना यहाँ पर. आई मिस माई ड्यूक 790 अलॉट. क्या बात है यार, जस्ट लुक एट द रोड्स, लुक एट द सराउंडिंग्स, टू गुड. एंड लुक एट दैट 240 सेक्शन टायर. जब वो टर्न कर रही है तो आधा टायर ऊपर है इन द एयर. जस्ट लुक एट दैट. मैं वही देख के ना मुझे एकदम फील आ रहे. सो कर्नाटका बॉर्डर एंटर कर चुके हैं. यहाँ पर कुत्ता पुलिस स्टेशन है. वी आर रेडी टू गो. जितना हो सके उतना क्रॉस करना था, कवर करना था डे लाइट में, पर कर्नाटका बॉर्डर एंटर करते समय यू नीड द RT-PCR टेस्ट और उसके बिना अंदर जाने नहीं देते. सो अभी यहाँ पर सब ने टेस्ट किया है और निकल पड़े हैं वापस अपनी मंजिल की ओर. सो वी आर 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन और हम यहाँ पर अभी रुके थे. हमारा जो रूट था वहाँ पर लोकल गाइड्स ने कहा कि यहाँ से मत जाना, यहाँ पर हाथी है और ट्रैफिक बहुत कम होने की वजह से 7 PM टू 9 PM यहाँ पर हाथी क्रॉस करते हैं, पानी पीने के लिए जाते हैं और काफ़ी अटैक्स भी होते हैं कार्स एंड बाइक्स पर.
सो वी आर चेंजिंग आवर रूट और यहाँ से 6-7 किलोमीटर्स ज़्यादा पड़ेगा. बट कुछ लोकलेट्स ने ये भी कहा कि आप कहीं से भी जाओ हाथी तो मिलने ही है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सेफली पहुँच जाए. और सबसे अच्छी बात यह है कि हम पूरे फॉरेस्ट में से ट्रैवल कर रहे हैं. देन टू देर आर नो बग्स, नो फ्लाइज. सो बहुत अच्छी बात है. नहीं तो बहुत ज़्यादा बग्स होते हैं काफ़ी रोड्स पर, और वाइज़र पे स्क्रैचेस भी आते हैं उसके वजह से, और बार बार साफ़ करना पड़ता है. और आप देख सकते हो कोई भी व्हीकल नहीं है, एब्सोल्युटली नो वन. सो हाथी का टेंशन तो है ही. तो वैसे यहाँ पर फेंसेस लगाए हुए हैं, नथिंग टू वरी. हो फाइनली पहुँच चुके हैं.